राधिका समझाओ इसे, इससे अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे नहीं करनी है ये नौकरी, समझते क्यों नहीं? क्या हो रहा है, क्या हो रहा है दादा पापा? पूरी लॉबी बाहर गूंज रही है आपकी आवाजों से, अच्छा लगता है क्या? पड़ोसी क्या सोचेंगे? उन्हें सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है राजू, अब तक पूरी बोरीवली को पता चल गया है कि श्रीनिवास वागले का बड़ा बेटा मनोज वागले एक नंबर का कामचोर है, काम धंधा कुछ करता नहीं है, अपनी बीवी की कमाई से घर चलाता है। तो इसमें गलत क्या है? मंगेश, मंगेश तू बाहर जा, बाहर जा। अरे आप मुझे क्यों गुस्सा कर रहे हो? राजेश अंकल मैं सच कह रहा हूँ, ये ना इन दोनों का रोज का काम हो गया, और श्रीनिवास काका, दादा बोल, दादा। काकी अगर मनोज इनको बाप नहीं मानता तो मैं इन्हें दादाजी कैसे बोलूं? मंगेश बहुत हो गया। बिल्कुल सही कहा इसने, अगर ये मुझे अपना बाप समझता ना तो मेरा कहा मान लेता, और ये बिजनेस करूंगा के जिद छोड़कर चुपचाप नौकरी कर लेता। राजू मैंने दादर के वो रमणीक भाई है ना रेडीमेड ड्रेस वाले, उनसे बात की थी, 25,000 पगार देने को तैयार है, सेल्समैनशिप की नौकरी थी। राजू समझा दे इनको, मैं किसी रमणीक भाई के दुकान पे खड़ा रह के चड्डी बनन बेचने के लिए पैदा नहीं हुआ, मेरे से नहीं होता ये सब यार। मनोज शांत हो जा, शांत हो जा, इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? विद्या मैं पानी लेके आ बेटा, जा। हाँ लाती हूँ। बेटा मेरी बात सुन, देख मैं मानती हूँ कि तेरे भी कुछ सपने हैं, लेकिन अपने हकीकत से ना समझौता करना पड़ता है। तुझे ये नौकरी नहीं करनी ना, मत कर, हाँ मत कर ये नौकरी, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। देख विद्या मंगेश उनकी जिम्मेदारी है तुझ पे। और दादा कल को अगर घर में एक छोटा मेहमान आ जाए तो फिर जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी ना। काकू मुझे ट्यूशन के लिए देर हो रही है, मैं निकलती हूँ। ये तो क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कहा मम्मी? हाँ पापा। नहीं बेटा तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं इसे यही समझाने की कोशिश तो कर रहा हूँ रोज। अरे हम मिडिल क्लास के लोग हैं, अपने सपनों के लिए नहीं लेकिन अपनों के लिए जीना पड़ता है। देखिए राजू ने जैसे बात समझाई ना वैसे समझाते हैं उसको। मेरी सुनता है क्या वो? हाँ सुनेगा, सब कुछ सुनेगा। अरे इतना नासमझ नहीं है मेरा बेटा। अच्छा मनोज इनकी छोड़ और तेरी भी छोड़, मेरी बात सुन, तू ना तू एक महीना ले ले, हाँ उस एक महीने में ना ऐसा कोई बिजनेस ढूंढ जिसमें हमें पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे, या फिर ऐसी नौकरी ढूंढ जो तुझे अच्छी लगेगी। राधिका आप शांत रहिए, शांत रहिए आप, मैं कुछ हल निकालने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए एक महीने के अंदर अगर मनोज ने कोई बिजनेस ढूंढा नहीं या फिर कोई नौकरी नहीं ढूंढी ना तो आप जहां कहेंगे ना जो कहेंगे वहां पे वो नौकरी करेगा, करेगा ना बेटा? बोलना। लो राजू बेटा मुझे यही डर है, कल को इस घर में कोई नया मेहमान आ जाए तो हम उसे कैसे संभालेंगे? सब संभाल पाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप जरा ये बातें बंद कीजिए, जो बच्चा या बच्ची दुनिया में आते हैं ना वो अपनी किस्मत लेके आते हैं, और क्या पता शायद वो बच्चा या बच्चे आने के बाद ना मनोज की किस्मत बदल जाए, है ना राजू? वो कहते हैं मुझे कि तुम मूर्ख हो बुद्धू हो, क्या कहते हो तुम, ये सच है यस
या नो? यस यस यस। वाह वाह प्रभु, हमारी ये कविता भी वायरल हो गई। आखिर वायरल हो उसे ही तो कहते हैं कविता का प्रकार। बाकी सब कागज पे अत्याचार, कागज पे अत्याचार। क्या कल की कविता के लिए थॉट मिल भी गया? हाँ मैं अभी लिख लेती हूँ। हाँ हाँ रोज खाएंगे डंडे, आहा वाह, डाइट में होते हैं अंडे, ओहो। तो तुम मूव ऑन होना चाहती हो? हाँ विवान, मैं तुम दोनों से, हमारी दोस्ती से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहती हूँ। सी, इसके पहले भी अन्विता को हमारी दोस्ती की वजह से प्रॉब्लम हुई है, और अब जब वो तुम्हारी लाइफ में वापस आ गई है तो मैं ये नहीं चाहती कि अन्विता को ऐसा लगे कि तुम मेरी वजह से उसे टाइम नहीं दे पा रहे। दादा दादा शांत शांत, अन्ना मामा ने कहा है ना कि वो कुछ करेंगे, ग्राम पंचायत में भी रिकॉर्ड होंगे ना। तुझे क्या लगता है पंचायत से रिकॉर्ड मिलना आसान काम है? मैं बोलता हूँ इनको जरूरत क्या थी लेटर को हाथ लगाने की हमारे। गलती हो गई मनन भाई, थोड़ा चुप चुप। और गलती मम्मी की भी है। टक्कू बेटा, हर्षद बेटा, आओ चाय पी लो, आओ नाश्ता कर लो, पानी पिलाने के लायक ही नहीं है इनकी। दादा मनोज, इन दोनों की कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है ना। मम्मी मम्मी प्लीज प्लीज, अभी आप टेंशन मत लीजिए, ओके सब सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। लघु भाई, अर्षद भाई, बुरा मत पानी आप। नहीं नहीं गलती हमारी भी है तो सॉरी सॉरी सॉरी। तुम्हारी सॉरी का आचार डालूं मैं? अगर तुम दोनों की वजह से हमको नुकसान हुआ ना तो याद रखना तुम। राधिका मिस्टर कहो, उन डॉक्यूमेंट्स की मैजिस्ट्रेट की अटेस्टेड कॉपी मेरे पास है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं वही ढूंढ रहा हूं, अभी मिल जाएगी। एक मिनट, तो पहले क्यों नहीं बताया फिर आपने? क्योंकि मैं परेशान हो रहा था ना, मजा आ रहा होगा इनको। राजू इससे कहो कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मुझे अभी याद आया। ओह माय गॉड, भगवान ने लाज रख ली। वरना परम पूजनीय वन्ना भाभी को हम लोग क्या मुंह दिखाते। चल चल ए डको, कहाँ जा रहा भाई? अरे बेचारे चाय पीने के लिए आए थे, बैठो चाय पी के जाओ। दादी का भाई इनके लिए चाय रखो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, चलेगा। हाँ इसकी क्या जरूरत है। पंटर आना, बैठना पंटर। दादी का मेरे लिए भी चाय रखना, मैं तब तक ढूंढता हूँ इनका डॉक्यूमेंट्स। दादा बस 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 बस, मम्मी मेरे और दादा के लिए भी गर्मा गर्म चाय, हम सब मिलकर चाय पिए। मासी खारी भी। बच गए हैं दोनों। अगर अटेस्टेड कॉपी श्रीनिवास के पास नहीं होती तो चाय की जगह इन दोनों को बर्नर पे बिठाता मैं। मनोज के जन्म के बाद ना, वो मेरे भाई है ना अन्ना गोखले पुणे में जो रहते हैं, हाँ उन्होंने ना ये प्लॉट 50,000 में जबरदस्ती खरीदवाया था। हाँ और उसके इतने सालों के बाद 5 करोड़ रुपए की कीमत हो गई। सोच भी नहीं सकती थी मैं सपने में। सब आपके अच्छे कर्मों का फल है मासी। हाँ तुम जैसे बहुतों को चाय टोस्ट खिलाया है ना, देख के रहे जो है वो गटको और सटको। तमीज से बात करो, क्या कर रहे हो? कोई बात राजेश भाई, कोई बात नहीं, क्या है अभी नए नए पैसे वाले बने ना मनोज भाई, तो
दो। गर्म है चाय, बहुत गर्म है ना, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो पी के चले जाएंगे। राजेश भाई, आपने परम पूजनीय वन्ना भाभी को ये खबर दी कि नहीं? नहीं नहीं, अभी डायरेक्टली ऑफिस से तो आया यहाँ पर, और सबसे पहले तो ये कागजात मिल जाने दो पापा को, उसके बाद में पैसे मिल रहे हैं कि नहीं वो कंफर्म होने दो, बाद में बताएंगे सबको। क्या बात कर रहे हो राजू, सब कुछ कंफर्म ही तो है। एक बार श्रीनिवास वो अटेस्टेड कॉपी ले आए, उस पर श्रीनिवास की और मम्मी की साइन ले लेते, अंडा मामा को भेज देंगे। अंडा मामा ने कहा है कि एक महीने के अंदर पैसे मिल जाएंगे। तू सबसे पहले जा वहीं और बच्चों को एक खुशखबर दे के, वैसे भी ये दोनों सोसाइटी के घर घर में जाके बोलेंगे ना, न जाने उसी बहाने किसी के यहाँ नाश्ता और चाय मिल जाए। क्या डक्कू? राधिका, राधिका, तुमने मेरी वो हरी पट्टी कहाँ रखी? हरी पट्टी? कौन सी हरी पट्टी? मुझे नहीं याद आ रहा है। हाँ? मनोज, तूने मेरी वो हरी पट्टी ली थी क्या? नहीं। तो क्यों? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट राधिका को रखने के लिए दिए थे और राधिका ने उसे हरी पेटी में रखे थे। मम्मी? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। पर मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने वो डॉक्यूमेंट तुम्हें दिए थे और तुमने वो डॉक्यूमेंट हरी पेटी में रखे थे। चाय तो पीने दे। चल ना। ओके। चल। प्रणाम काका, प्रणाम मासी। चल 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 चल। बाय बाय। अरे सुनो चाय। अच्छा। राधिका, याद करो ना, कहाँ रखी थी तुमने वो हरी पेटी? देखो, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.